अस्सलामुअलैकुम। मैं जद्दा कॉर्नर्स के ऊपर हूँ जी इस वक्त। तो आज एक सबसे खूबसूरत चीज़ आज की जो जद्दा की जद्दा का वेदर देख लें आप, मैं मज़ीद आपको वीडियो में कम्प्लीटली दिखाऊंगा। अभी एक औसम किस्म का वेदर बना हुआ है, मैं बोलता हूँ कि रोमांटिक किस्म का। अच्छा, इसमें कभी बारिश शुरू हो जाती है, कभी ख़त्म हो जाती है। जद्दा कॉर्नर्स के ऊपर मैं आया हूँ, आपको एक कम्प्लीटली विज़िट करवा दूँगा। और इसके अलावा यार व्यू वगैरह आपको दिखाऊंगा, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। जद्दा का मौसम ऐसे है जैसे कि पाकिस्तान में, अगर मेरे पाकिस्तानी भाई देख रहे हैं तो पाकिस्तान में जैसे कि दिसंबर में होता है, दिसंबर की खासकर जब झड़ी लग जाती है जी। तो बुनी हुई छली देख लें जी, ये भी जद्दा कॉर्नर्स। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जद्दा कॉर्नर्स की तरफ हम चले हैं जी, अभी गाड़ी वगैरह पकड़ेंगे फिर जाएंगे। तो मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। अभी जद्दा का मौसम आज बहुत प्यारा है और हल्की हल्की बारिश भी है। तो बहरहाल मैंने बोला जद्दा कॉर्नर्स चलते हैं और आपको भी साथ में दिखाता हूँ। जी तो साहले समुंदर जद्दा एक कुछ बोल रहे हैं आप इसे। अच्छा, ये सामने जो है जी यहाँ पर वो पानी वाला फुवारा चलता है, लेकिन अभी बंद है क्योंकि आपको पता आज हवाएं तेज़ चल रही हैं। और वेदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, जद्दा कई इलाकों में बारिश भी है और सुबह टाइम यहाँ पर भी थी। अभी शाम के टाइम अगर हुई तो मैं आपको दिखाऊँगा लाइव हैं जी। अभी मैं यही बोल रहे हैं आप रहेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह मगरब के टाइम तक तो रुकेंगे। दोबारा मैं आगे जाऊँगा इस तरफ, आपको व्यू कुछ दिखाता जाऊंगा। और जो मस्जिद है समुंदर के अंदर में, जो मेन पॉइंट है जद्दा कॉर्नर्स का, वहाँ तो जाएंगे। अभी पैदल चलते हैं तो आपको कुछ व्यू वगैरह दिखाता जाता हूँ जी। तो मैं व्यू तो आपको दिखाता जाऊंगा, लेकिन इस टाइम पीछे देख लें माशाल्लाह समुंदर। अभी बात यह है कि यहाँ पर रश बहुत है, ख़ासकर जिनमें लेडीज़ काफ़ी तादाद में है। तो वीडियो मैं अभी बैक कैमरे से अगर आपको दिखाऊं तो फिर ज़ाहरी सी बात है ये ममनू है कोई भी आपकी वीडियो में आए तो वो ऐसे आपको पता है यहाँ दौरियत वगैरह भी अक्सर घूमती रहती है। तो बहरहाल आपको मैं जद्दा कॉर्नर्स के व्यू दिखाता जाऊँगा इंशाल्लाह ताला, जहाँ से मुझे को अच्छे व्यू मिले। आगे चलते जाएंगे, जो जद्दा में मस्जिद है जी, जद्दा का जो उसे आप पुराना कॉर्नर्स बोल रहे हैं, जो समुंदर के अंदर यानी कि मस्जिद है, वहाँ तक तो ज़रूर जाएंगे पैदल। तो बहरहाल चलते हैं आगे, आपको दिखाता हूँ। पानी की लहरें देख लें, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ, जिसमें नो स्विमिंग एंड फिशिंग फॉर हेल्प कॉल। अगर कोई बंदा पकड़ रहा है तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना तो पानी में आपको जाने की इजाज़त है, ना ही मछलियाँ वगैरह पकड़ने की इजाज़त है। मछलियाँ यहाँ पर आपको किनारे के ऊपर मिल जाएंगी घूमती हुई, वो सिर्फ इसलिए कि वो खुराक वगैरह जो होती है, जो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है इतनी दुनिया आती है तो वो खुराक वगैरह जो होती है वो खाने के लिए छोटी मछलियाँ किनारों के ऊपर आती हैं। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, व्यू देख लें माशाल्लाह। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं एक जगह पर, ठीक है जी। इस तरफ से मैं आपको जिस तरफ से आए हैं वो भी दिखाता हूँ। एक वैसे बोट भी खड़ी हुई है, लेकिन ये रेस्क्यू करने के लिए है, कोई इंजॉय करने वाली नहीं है। तो रेत यहाँ पर वाइट, ये एक मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी है। बहरहाल इस तरफ मस्जिद है जी, हम घूम कर जाएंगे इस तरफ से ऊपर से मस्जिद की तरफ, ठीक है। तो इस तरफ से हम आ रहे हैं, इस तरफ से वो पूरा व्यू देख रहे हैं आप, वहाँ से वो बीच शुरू होती है, वहाँ से हम इधर तक पहुँचे हैं। ये साथ साथ हम जा रखे हैं। अभी मैं जैसा कि आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि मैं कुछ व्यू ऐसे नहीं ले सकता, रश बहुत है, लेडीज़ बहुत हैं खासकर जी। तो ये मस्जिद आप यही बोल रहे हैं कि समुंदर के अंदर ही ये यहाँ पर समुंदर शुरू होता है इस तरफ से, ये देखने साथ में ये वादी जा रही है इस तरफ, और ये मस्जिद उस तरफ तक इसका बाढ़ जाता है। अच्छा, हम इधर से घूम कर जाएंगे, अभी मैं उस तरफ से भी आपको कम्युनिटी दिखाता जाऊँगा। तो आगे जाएंगे, व्यू वगैरह आपको देखना है यहाँ पर माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। इस तरफ से हम आ रहे हैं पूरा, तो और ऐसे ही बैक जाएंगे। मैं आपको जद्दा कॉर्नर्स तकरीबन कोशिश करूँगा यार एक पूरी जो बीच है इसकी सैर करवा सकूँ। बाकी तो ये बहुत बड़ी है, यानी कि 20-25 किलोमीटर या इससे भी ज़ायद के ऊपर फैली हुई है। यहाँ अभी हम रुके हैं जी, ये थोड़ा लेंगे पुनिया हुई छलियाँ जिन्होंने ऊपर कहने पंजाबी से। अच्छा, कच्चियाँ भी ने तो दो लिया असी, मैं तुम्हें पंजाबी ही दस देव। किन्ने दी है? 5 रियाल। असी इन बड़ा क्या कि असी तेरे वर्गे ही हाँ सऊदी नहीं, तो 4 रियाल ले ला, 8 दे दो। कहना नहीं मैं तो 10 ही लेने। तो बहरहाल ये 10 रियाल की दो हैं जी। अभी मैंने उसको बोला थोड़ा अच्छे से पका देना, इसको कच्ची मत छोड़ना। तो ये सदा कॉर्नर्स बीच जी देख लें आप, एक
तो ये मास्क नीचे करना भी ना रिस्क है। अगर किसी शूटर ने देख लिया उसने, वो ये नहीं समझेगा, वो ये नहीं बिल्कुल बात समझेगा कि आप वीडियो बना रहे थे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको, यहाँ पर हमामात हैं। वीडियो के शुरू में ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, ये फ्री है, आप 10 बार जाएं। मरी वाले इलाकों में जो पाकिस्तान में इस वक्त चला हुआ है सिस्टम, तो वो 200-200 रुपये लेते हैं जी वाशरूम जाने का, उन इलाकों में आप यकीन करें।